हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द पार्शियल मोलर क्वारंटी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स यूनिट का टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और पार्शियल मोलर क्वारंटी के मतलब, जब आप इस टॉपिक को पूरे को समझ लोगे ना, इसी के बाद आपको मतलब गिब्स ज्यूमन इक्वेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम पार्शियल मोलर क्वारंटी को मतलब एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद हम गिब्स ज्यूमन इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्शियल मोलर क्वारंटी क्या होती है, देखो ये चैप्टर मतलब कौन से चैप्टर का टॉपिक है, थर्मोडाइनमिक्स का। तो ठीक है, इसके ऊपर सभी कुछ टॉपिक होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, थर्मोडाइनमिक में। तो पार्शियल मोलर क्वारंटी क्या कहती है कि जो भी हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी होती है, द थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे पास क्या होती है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी में, सच एज फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी, ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी में आती हैं, जैसे कि फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है और क्या है एंथैल्पी। ये सभी में मतलब थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी, ये सभी क्या होती हैं, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती हैं सभी की सभी, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब उसके मास के ऊपर डिपेंड होती है, मास ऑफ द कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर डिपेंड होती है, मास ऑफ द कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड्स होती है। मास ऑफ द कंपोनेंट पे क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, लेट अस कंसीडर ए ओपन सिस्टम। हमारे पास क्या है कि कोई ओपन सिस्टम है, ठीक है, क्या है, कोई ओपन सिस्टम है। इस ओपन सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट को हम N1 से, N2 से, N3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, जिसको हम फंक्शन ऑफ मतलब सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, और इस सिस्टम को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सिस्टम का जो फंक्शन होता है, सिस्टम का फंक्शन मतलब जिसको हमने F से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, और क्या होगा, N1 होगा, N2 होगा, और ऐसे ही मतलब चलता जाएगा ये, मतलब ऐसे ही आगे क्या होगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि पार्शियल मोलर क्वाड्रेंटी में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है उसको मतलब सिस्टम ऑफ कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और इस सिस्टम का जो फंक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स हमारे पास जो सिस्टम ऑफ कंपोनेंट है वो, एफ हमारे पास सिस्टम का फंक्शन है वो, और वो फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट के ऊपर, N1, N2, N1, ऐसे ही आगे क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है। ये होगा, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेयर, यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास पी है, पी क्या है, पी इज़ द प्रेशर, पी हमारे पास क्या है, जो पी है ये हमारे पास प्रेशर है, और जो टी है, टी इज़ द टेम्परेचर। पी हमारे पास प्रेशर है, टी हमारे पास टेम्परेचर है, N1, N2 जो N1 है, N2 है और N3 है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, ठीक है। वैसे तो हम इनको स्मॉल फॉर्म में N1, N2, N3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वैसे इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसके बाद क्या होगा कि ये N1, N2, N3 ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी को, P इज़ द प्रेशर को, T इज़ द टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट के अंदर हम स्मॉल चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ए स्मॉल चेंज होगा किसके अंदर, जब हम स्मॉल चेंज करेंगे T इज़ द टेम्परेचर के अंदर, P इज़ द प्रेशर के अंदर, टेम्परेचर के अंदर,
प्रेशर के अंदर और नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट के अंदर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या है, N1 के अंदर, N2 के अंदर, N3 के अंदर, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है, जिसको हम किस से रिप्रेजेंट, 1, 2, 3 ऐसे ही इसको हमने रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, X हमारे पास क्या है, सिस्टम है. ठीक है, F उसका फंक्शन है. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, DX इज इक्वल टू, इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ, उसको समझिए. पहले देखो, सभी में करली एक्स है, मतलब एक्स कॉमन है, तो सभी में हमें क्या करना है कि कितने कंपोनेंट हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, N1 N2, सॉरी यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 चार हैं. तो ऐसे चार बार हमें ये जो है ना करली एक्स, इसको लिख लेना है, करली एक्स और करली एक्स. ठीक है, लिख लिया हमने, इसको हमने डिवाइड कर देना है. ठीक है, एक बार तो हम इसमें लिखेंगे टेम्परेचर को, एक बार हम लिखेंगे इसको प्रेशर के साथ, एक बार हम इसको लिखेंगे N1 के साथ, एक बार हम इसको लिखेंगे N2 के साथ. ठीक है, ये हो गया है, dx होगी वैल्यू. अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को छोड़ के जो इसके आगे वाली बस्ती हैं उनको लिखना है, जैसे कि प्रेशर है N1 N2 एंड सो ऑन आगे. ठीक है, प्रेशर हो गया, N1 हो गया, N2 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा. इसमें हमने क्या करना है कि इस प्रेशर को छोड़ के इससे जो इस साइड बचते हैं उनको लिखना है, और इसके आगे वाले हैं उनको लिखना है. तो इसके पीछे क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर के बाद N1 होगा और N2 को लिखना है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा. बट ये याद रखना है, जब हम जिस कंपोनेंट के मतलब लिखेंगे, तो उसके इस प्रेशर मतलब जो यहाँ पे नीचे वाला है ना, उसको छोड़ के उसके आगे पीछे वाले जो नीचे हैं ना, उनको लिखेंगे. जैसे कि इसमें N1 में हम किसको लिखेंगे, इसकी फॉर्म में हमें किसको लिखना है वो देखिए, कि इस N1 को हमें छोड़ देना है और टेम्परेचर, प्रेशर और N2 को लिखना है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और N2 लिखेंगे. ऐसे ही हमने N2 को छोड़ देना है, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 को हम यहाँ पे लगाएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और N1. अब हमने क्या करना है कि स्मॉल चेंज किसकी फॉर्म में निकालना है. यहाँ पे अगर प्रेशर है तो ये चला जाएगा ऐसे, इसकी फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे निकलेगा DT प्लस में. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, DP, मतलब ये P यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, DP प्लस में, और ये N1 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, DN1 प्लस में. तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई है, सेकंड है. ये एक शॉर्ट ट्रिक की जैसे, मतलब इसको एज ए ट्रिक की जैसे याद करना होता है. ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है कि इस टेम्परेचर को और इस प्रेशर को क्या कर देना है, टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इनको हमें कैसे लिखना है, आगे कांस्टेंट की फॉर्म में करना है. ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे कि टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट करेंगे. तो हम इसको कांस्टेंट करेंगे तो ये वाली वैल्यू पूरी ज़ीरो होगी, ये वाली ज़ीरो होगी, और सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ही हमारे पास बचेगी. तो हम क्या करेंगे, dx हमारे पास कोई सिस्टम है और हमने कांस्टेंट रखा है टेम्परेचर को और प्रेशर को, हमने सिर्फ ये फॉर्म लिखनी है, कर ली एक्स बाई में कर ली N1. ठीक है, जो है इसका ये कंपोनेंट यहाँ पे लिखना है, टेम्परेचर प्रेशर हो गया और N2 की वैल्यू हो गई है. ठीक है, ऐसे ही N2 और N3 ऐसे ही आगे ही चलता जाएगा. नेक्स्ट क्या है, DN1 हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, अगर ये कोई ये कहे कि यहाँ पे DP आपने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रेशर तो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, ये जीरो हो चुका है. ठीक है, ये टर्म और ये टर्म जीरो हो चुकी है, और साथ में ये DP भी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, DN1 प्लस में करली X जो सिस्टम है वो, और करली क्या करेंगे, N2. यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 होगा, N3 होगा, N1 आगे ऐसे ही चलता जाएगा. ऐसे ही आप बहुत सारे टर्म्स को निकाल सकते हो. अब हमने क्या करना है कि ये इक्वेशन होगी थर्ड हमारे पास, ये इक्वेशन होगी सेकंड, और ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है. तो हमने क्या करना है कि इन इक्वेशन थर्ड के अंदर, किसके अंदर, इन इक्वेशन थर्ड के अंदर जो हमारे राइट हैंड साइड है. ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड के अंदर राइट हैंड साइड, मतलब इसमें ये वाली क्या है, राइट हैंड साइड है ना, और इसमें ये वाली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. तो इन इक्वेशन थर्ड के अंदर जो राइट हैंड साइड होते हैं ना, उनको हम ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे कि करली एक्स हो गया, करली N1 हो गया है, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर, प्रेशर और N2 और N3, ऐसे ही करली एक्स लिखेंगे, और क्या करेंगे, करली N2 की वैल्यू को लिखेंगे. ठीक है, करली N2 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, N1
और एन थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू। तो जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं ना उनको हम एक्स वन, मतलब जो जो हमारा सिस्टम है ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिस्टम हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये किसका सिस्टम हो गया, वन का। तो एक्स वन सिस्टम हो गया जिसको हम ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्सिक्वेंट प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है इन क्रोस्पॉन्ड टू सिस्टम की, ठीक है, एक्स वन और एक्स टू हो गया। ऐसे ही अगर आप अनंत टर्म के लिए करोगे तो करली एक्स हो गया, बाई में करली एन आई की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे भी क्या निकलेगा, जो आपका एक्स सिस्टम था वो, और उसको यहाँ पे वैल्यू क्या लगा देंगे, इसकी आई लगा देंगे, और आगे ऊपर क्या लगा देंगे, मतलब बार लगाएंगे, ठीक है। इसको बार जरूर लगाना है, और मतलब बार बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमने मतलब पार्शियल जो मोलर क्वाड्रेंटी का कंपोनेंट है इसको हमने मतलब ये जो कंपोनेंट होता है ये डिफाइंड करता है चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, जो पार्शियल मोलर क्वाड्रेंटी होती है ये डिफाइंड करता है चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मतलब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो गिब्स ड्यूमन इक्वेशन के ऊपर आएगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ इसको बार बार स्किप करके आप देख सकते हो, और गिब्स ड्यूहम इक्वेशन जब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी तो जो गिब्स ड्यूहम की इक्वेशन है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।